Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is for domain and range of linear functions. But before getting on to domain and range of linear functions, let's understand what linear functions are. So guys, linear functions are basically all the functions that have a maximum power of 1 in the variable. And those functions are called your linear functions. Linear functions, kaun se functions hote hain jisme aapke paas variable ki maximum power is 1. Theek hai ji? तो यार अगर मैं लीनियर फंक्शंस की जनरल फॉर्म की बात करने लगूं तो लीनियर फंक्शंस की जनरल फॉर्म हमने अपने बचपन से क्या सीखी है कि अगर f of x equals to mx plus c दिया हुआ हो या फिर y is equals to mx plus c दिया हुआ हो so that such a function is known as a linear function. ठीक है जी. तो यार a few things about the linear functions. तो देखें जी, अगर y equals to mx plus c या f और of x equals to mx plus c हमारे पास given होगा and that will be regarded as a linear function. तो basically बेटा इसमें जो है m जो है आपका वो क्या चीज होती है, m आपके पास जो है वो gradient होता है बेटा, और c जो है आपके पास हमेशा y intercept होता है, point where line cuts the y axis. ठीक है जी. और बेटा अगर आपको इस linear function को देखना होता है तो देखो linear function basically हमारे पास दो types के हो सकते हैं. सही है जी. linear function कितनी types के हो सकते हैं? They could be of two types. Basically one type is where gradient is going to be positive and this is a type such that it is an increasing linear function. ये हमेशा कौन सा function होगा? Increasing linear function होगा, क्योंकि बेटा इसमें जो gradient है that is going to be positive. लेकिन बेटा अगर आपके पास gradient negative होता है so such a function is known as a decreasing linear function. और बेटा decreasing linear function आपके पास जब होता है जब आपका उसका gradient आपके पास negative हो रहा होता है. ठीक है जी. So that was like enough for the introduction of linear functions. के हमारे पास वो नजर कैसे आ सकते हैं कि तो y equals to mx plus c या फिर f of x या फिर any function equals to mx plus c इसकी general form है. M is always the gradient, c is y intercept, and then the linear function can be of two types, where one is a type where gradient is positive. Such a linear function is known as an increasing function, and another type is where gradient is negative, and such functions are known as decreasing linear functions. ठीक है जी. तो यार अगर आपके पास कभी भी लीनियर फंक्शन आ जाता है तो स्केचिंग ऑफ लीनियर फंक्शंस देख लेते हैं बेटा कि उसको स्केच कैसे करना होता है. तो बेटा अगर लीनियर फंक्शन कभी भी हमारे पास आ रहा होता है तो उसको स्केच करने के लिए फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी जस्ट नीड टू पॉइंट्स. हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड? टू पॉइंट्स अगर हमें पता होनी चाहिए, और हमें उसकी नेचर का भी आइडिया होना चाहिए. नेचर क्या क्या हो सकती थी? या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर मेरे पास डिक्रीजिंग हो सकता है. अच्छा जी, दो पॉइंट्स की बात लिखी हुई है बेटा यहाँ पे. दो पॉइंट्स कौन से दो पॉइंट्स हो सकते हैं? एक पॉइंट आपके पास बेटा x इंटरसेप्ट का हो सकता है, दूसरा पॉइंट आपके पास बेटा y इंटरसेप्ट का हो सकता है. x इंटरसेप्ट कोई भी पॉइंट होता है जहाँ पे आपने x, 0 का पॉइंट रखा हुआ होता है, मतलब y आपके पास 0 के बराबर होता है. बेटा जी y इंटरसेप्ट कौन सी चीज होती है? y इंटरसेप्ट वैसे तो लीनियर फंक्शन का c होता है, लेकिन अगर वो विजिबल नहीं है या फिर मतलब उसको निकालना मुश्किल हो रही है तो बेटा आप समझ लो कि y इंटरसेप्ट एक पॉइंट होगा वेयर 0, y वेयर x इज गोइंग टू बी 0. तो बेटा ये दो पॉइंट्स अगर आप देख लेते हो और आप अपनी नेचर को यूज करके आप आराम से एक अपना लीनियर फंक्शन को स्केच कर सकते हो. ठीक है जी. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स सपोज मेरे पास बेटा एक लीनियर फंक्शन है व्हिच इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x plus 5. ये मेरा लीनियर फंक्शन है बेटा, और अब मैंने करना है इसको स्केच. तो बेटा स्केच करने के लिए दो बातों की बारे में बात की थी. एक तो ये कि मेरे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या थी कि मुझे उसका नेचर का भी आइडिया होना चाहिए. तो बेटा अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर का आइडिया मुझे हमेशा बेटा ग्रेडियंट से होता है. मेरे पास ग्रेडियंट इसमें कितना है बेटा? ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव होगा, अगर मेरा ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर मेरे पास बेटा ग्रेडियंट मेरे कोई चीज नेगेटिव है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो बेटा अब आपने लेट सपोज सबसे पहले अगर इस फंक्शन को स्केच करना है तो इस फंक्शन को स्केच करने के लिए दो पॉइंट जिनके बारे में मैंने आपको बताया था जो आप हमेशा ले लेना बेटा, वो x इंटरसेप्ट और दूसरा बेटा y इंटरसेप्ट, और नेचर का ख्याल रख लेना बेटा. तो लेट सपोज अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं वेयर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x plus 5 मेरा फंक्शन है. तो बेटा अगर मैंने लेट सपोज इस फंक्शन का x इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू कुछ आएगी y 0 होगा. तो बेटा यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को 0 रखा और x की वैल्यू को मैंने x रखा और प्लस 5 रखा. तो बेटा 5 अब मैंने x के लिए सॉल्व करना होगा, सो इट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू -1. तो मेरे पास एक पॉइंट क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी -1, 0. बेटा जी अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात कर लूँ आप लोगों से
तो y इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे x बेटा 0 होता है, तो इस पूरे फंक्शन में मैंने x को 0 रख देना है और बेटा मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेटा ये जो f ऑफ x वाली वैल्यू आ रही है ये वही वैल्यू होती है जो y भी होती है, क्योंकि f ऑफ x एंड y आर सेम थिंग बेसिकली, बोथ आर द आउटपुट्स व्हेन इनपुट इज x, राइट। तो बेटा यहां पे x इंटरसेप्ट मेरा कौन सा पॉइंट बन गया, x इंटरसेप्ट मेरे y इंटरसेप्ट मेरे पास जो पॉइंट बना वो बन जाएगा बेटा 0.5। तो मेरे पास यार दो पॉइंट्स आ गए, नेचर मुझे पता है कि इसका ग्रेडियंट बेटा मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5 है, तो दैट मींस इट्स एन इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन। तो बेटा आ जाओ जल्दी से इसको स्केच करना देख लेते हैं, इसको स्केच आपने रफ स्केच करना है बेटा। तो रफ स्केच बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, एक पॉइंट -1.0 मार्क कर लेते हैं। तो बेटा -1.0 लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, और 5 मेरे पास लेट्स सपोज आपने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया। तो बेटा अगर आपने इसको स्केच करना है तो ये दो पॉइंट्स हैं जिन पे आप इसको लाइन को बनाओगे और लाइन को फिर कनेक्ट कर दोगे, एंड योर फंक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एज ऑल ऑफ यू नो माय ड्राइंग इज रियली बैड, सो जस्ट बेयर विद दैट। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू बी द स्केच ऑफ द लीनियर फंक्शन व्हिच इज ड्रॉन लाइक दैट। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है जी, अब यार एक डिक्रीजिंग लीनियर फंक्शन देख लेते हैं। Alright जी, let's look at one more example of a decreasing linear function. So let's suppose अब मेरे पास जो example given है, it is given to me as -5x + 5. Simple मिलता जुलता है, बस एक चीज़ ने इसको decreasing और increasing बनाना था, और वो थी बेटा gradient की value। वहाँ पे gradient की value positive थी, यहाँ पे मुझे देखने से नजर आ रहा है कि gradient की value कोई चीज़ negative है। तो बेटा अगर gradient की value negative है तो मुझे समझ आना चाहिए कि बेटा this is going to be a decreasing linear function, पहली बात होगी। दूसरी बात बेटा दो points चाहिए होते हैं, तो आ जाओ जल्दी से इसके दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। बेटा x इंटरसेप्ट अगर मैं निकालने जाता हूं तो x इंटरसेप्ट x, 0 वाला पॉइंट होता है, जब y 0 होता है, तो बेटा 0 से इक्वेट करके -5x + 5 करा, तो बेटा -5x = -5 हुआ, x की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 आ गई। आर वी ऑल गुड टिल हियर? बेटा जी अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, इट इज अ पॉइंट व्हिच इज 0 वेयर x इज 0 एंड y हैज सम वैल्यू। तो बेटा इट इज गोइंग टू बी f(x) -5 × 0 + 5। तो बेटा y इंटरसेप्ट इसका सेम रहा एंड इट बिकम्स 5, राइट। तो मेरे पास ये वाला y f(x) की जो वैल्यू है इज बेसिकली y वैल्यू। तो बेटा y इंटरसेप्ट का पॉइंट बन गया 0.5 बन गया। ठीक है जी, अब आ जाओ भाई इसको जल्दी से स्केच कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको स्केच करने जाता हूं, अगेन दिस इज आई हैव टू स्केच इट, सो आई हैव टू ड्रॉ x एंड y एक्सिस। लेट्स सपोज बेटा एक पॉइंट है 1.0, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज x इंटरसेप्ट जो है वो 1.0 है इस केस में। तो बेटा इट इज गोइंग टू बी सम पॉइंट ओवर हियर, लेट्स मार्क इट एज 1 एंड देन इट इज गोइंग टू बी 5 ओवर हियर, एंड देन अब बेटा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो बेटा आ जाओ इसका जरा स्केच बनाने लगते हैं। तो इसका स्केच मेरे पास यार कोई इस तरह की कोई चीज बन जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ग्लैडली आई हैव यू द राइट लाइन। ठीक है जी, तो भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, इसका स्केच आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स हाउ यू जस्ट ड्रॉ योर स्केच योर लीनियर फंक्शंस। तो गाइस लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट जी, सो लेट्स मूव ऑन टू डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट। अब देखो ये डोमेन एंड रेंज की जब की भी हमारे पास बात होगी ना, तो देखिए पहले ना लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू कि डोमेन एंड रेंज का जब कभी भी ये टॉपिक बेसिकली डिस्कस हो रहा होगा अभी आगे जाके पूरे सिलेबस में, तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा। देखो याद रखना, क्वेश्चन विल बी सच दैट क्वेश्चन आपके पास इस तरह का होगा, रेंज विल बी आस्क्ड, आपसे रेंज पूछी जाएगी फॉर अ गिवन डोमेन। सही, हमेशा हमेशा आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इसी तरह का होगा कि आपके पास एक रेंज, एक डोमेन गिवन होगा और उसने आपसे उस डोमेन के लिए एक रेंज मांगा हुआ होगा। ठीक है, लेट्स रीड इट अगेन। Question will be such that range will be asked for a given domain. ठीक है जी, अच्छा अब देखो यार इस question को solve करने की मैं आपको अभी से इस topic के start करने से पहले एक hint दे रहा हूँ सारे questions का, कि अगर हमें given domain के लिए range निकालना होगा तो उन सारे question के लिए एक hint है बेटा। क्या hint है? सबसे number one बात ये है कि आपने जो भी फंक्शन हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, इनवर्स हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए आपने क्या करना है, स्केच द ग्राफ फॉर एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन जिसके आप डोमेन रेंज ढूंढ रहे हो उसके लिए आप ग्राफ बेटा स्केच कर लो, जब भी आपको लीनियर का ग्राफ भी सिखाया था बेटा अभी पीछे। दूसरी बात क्या है बेटा कि अगर आप ग्राफ स्केच करना सीख चुके हो तो आपको बेटा ये बात समझ आनी चाहिए कि द सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज Always look out for minimum
एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर गिवन डोमेन। क्या ढूंढ लो बेटा, आपने किस चीज का ख्याल रखना है, आपने रेंज का आंसर करते हुए यू हैव टू लुक आउट फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर गिवन डोमेन। जो भी फंक्शन है उसकी बेसिकली जो भी डोमेन गिवन है उससे क्या फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से बेटा मेरा मतलब ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट की बात हो रही है कि क्या उसके मिनिमम या मैक्सिमम आउटपुट आ सकते हैं, क्योंकि रेंज जो होती है वो आउटपुट की बात करती है। तो दिस इज द की टू सॉल्व एवरी डोमेन एंड रेंज क्वेश्चन। क्या किए बेटा कि आप सबसे पहले उसका स्केच कर लो, दूसरी बात ये है कि आपने हमेशा उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज के बारे में सोचना है फॉर द गिवन डोमेन। इज दैट क्लियर कि जो भी गिवन डोमेन है उसके हिसाब से क्या मेरी मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट आ सकती थी, उसके बारे में सोच के आपने अपना बेटा ये डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन आंसर करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, लेट्स ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर फंक्शन नाउ एंड देन वी लुक एट द डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शंस। ठीक है जी, अब उसके डिफरेंट केसेस देख रहे होंगे। तो बेटा लेट्स सपोज मेरे पास गिवन है कि f of x is 5x plus 5 and then अब इसका एक डोमेन का केस गिवन है और इस केस में इन्होंने बोला है कि डोमेन आर बेसिकली योर x वैल्यूज एंड देन द रेंज आर योर f of x वैल्यूज। तो बेटा अब इस केस में जो डोमेन मेरे पास गिवन है वो है कि x is an element of all real numbers। ठीक है, इस तरह से आपको डोमेन गिवन होगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यह होगा all values of x, all real values of x are part of the domain, all real values of x are the part of your domain। ठीक है जी, तो बेटा आप मुझे इसके लिए रेंज ढूंढनी होगी। ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या है बेटा, ऑल रियल वैल्यूज का मतलब ये है कि आप नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होते हो, फिर आप जाते हो लेट्स सपोज कोई लाइक फाइनाइट वैल्यू, लेट्स सपोज नेगेटिव 5000, फिर नेगेटिव 500, फिर नेगेटिव लेट्स सपोज 5 और फिर 0, फिर 1, 2, फिर 1000, 10,000 और फिर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जाके रुक रहे होंगे। ठीक है जी, मतलब दिस इज एन एग्जांपल दैट ऑल सच वैल्यूज, क्योंकि बेसिकली हमारे पास तरह से गिवन है कि भाई ऑल रियल वैल्यूज है, तो मतलब उसका ये होना चाहिए कि आपके पास सारे ही नंबर्स बेसिकली इसमें फॉल कर रहे होते हैं डोमेन में। तो बेटा देखो, मैंने आपको जब ये डोमेन रेंज का केस स्टार्ट किया था या डोमेन रेंज पे जब मैं आया था, तो मैंने आपको दो चीजों की जरूरत होगी। एक आपका स्केच होता है और बेटा आपने क्या देखना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फॉर द गिवन डोमेन। तो बेटा अगर मैं अपने स्केच की बात करता हूँ तो हिंट मेरे पास क्या आती है कि पहले स्केच बना लो। तो बेटा इसका स्केच बनाने के लिए, अगेन लीनियर फंक्शन का स्केच बनाने के लिए मुझे कितनी दो चीजों की जरूरत होती है। दो चीजें वो क्या क्या होती हैं, एक बेसिकली उसका नेचर और दो पॉइंट्स। सही है, तो यार देखो इसके दो पॉइंट्स मुझे पता है, पीछे करते हुए आए कि इसके दो पॉइंट्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लो, तो उससे आपका सबसे स्मूथ स्केच निकल कर आएगा। ठीक है, और हमेशा सबसे एक्यूरेट स्केच आएगा। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था बेटा 1.0 और जो इसका वाई इंटरसेप्ट आ रहा था बेटा वो आ रहा था 0.5 आ रहा था। तो देखो बेटा आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू लगाई आपने -1.0 और लेट्स सपोज 5 आपने यहाँ पे लगाया, तो आपके पास ये स्केच कोई इस तरह की चीज बन रही होगी दैट इट इज गोइंग टू बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, अब देखो बेटा हमारे पास लेट्स जस्ट ट्राई एंड मेक इट मोर एक्यूरेट। ओह नो माय बैड, या दिस इज बेटर आई गेस। ओके, तो बेटा देखो अब मेरे पास हो क्या रहा है कि मेरे पास अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं और मैं इसकी डोमेन और रेंज की आपसे बात करने लगूं, तो बेटा देखो अगर आपके पास इसकी जो डोमेन है अभी वो क्या गिवन है, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, दैट मींस सारी जितनी भी x एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं उन सब पे इसकी वो सारी वैल्यूज इसकी डोमेन का पार्ट है। तो बेटा उन सारी वैल्यूज के लिए जो मेरे पास आउटपुट पॉसिबल है इसका, क्या मैं बोल सकता हूं वो ये बेसिकली जो आउटपुट पॉसिबल है हमारे पास वो ये वाली सारी वैल्यूज है आउटपुट की जो कि पॉसिबल है। क्योंकि जैसे जैसे अगर आप इस ग्राफ का ट्रेंड देखो, जैसे जैसे आप इस ग्राफ पे बेटा आगे जा रहे हो आपकी y वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं ग्राफ पे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बेटा मैं ग्राफ में पीछे आ रहा हूँ मेरा y क्या होता जा रहा है, मेरा y कम होता जा रहा है। तो बेटा मेरा x बढ़ेगा तो बेटा मेरा y क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जब मेरा x कम हो रहा है तो बेटा मेरा y क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा होगा। तो बेटा देखिए अब इस बात से आपको पता क्या चलता है, इस बात से आपको एक बात ये पता चलती है कि देखो जब
सारी ही एक्स की वैल्यूज बेसिकली डोमेन का पार्ट है, तो आपकी रेंज का बेसिकली कोई भी एक ये सारी वैल्यूज पे आपका रेंज बेटा लाया कर रहा होगा। तो बेटा आपके पास जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है। तो बेटा जब मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर द पार्ट ऑफ माई डोमेन के, मतलब जो भी नंबर है वो सब पार्ट करता है, तो बेटा जितने भी नंबर दोगे सब पे कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, और बहुत बड़ी वैल्यू के लिए बहुत बड़ा आउटपुट आ रहा होगा, बहुत छोटी वैल्यू के लिए बहुत छोटा आउटपुट आ रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे जितनी छोटी मेरी एक्स की वैल्यू होगी उतना छोटा मेरा वाई का आंसर होगा, जितना बड़ा मेरा एक्स का वैल्यू होगा उतना बड़ा मेरा मेरा वाई का आंसर होगा। तो बेटा इस केस में मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास सारी ही सारी एक्स की वैल्यूज पे कुछ ना कुछ वाई का आंसर आ रहा होगा, क्योंकि देखो सारी x की वैल्यूज पे आपका कुछ ना कुछ y का आंसर आ रहा होगा, तो बेटा आप इसकी रेंज के बारे में क्या लिख दोगे कि इसकी जो रेंज होगी इट इज आल्सो गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि देखो हर इनपुट वैल्यू पे हर आउटपुट एक कोई ना कोई आउटपुट मौजूद है, और अगर आउटपुट बेटा जितना बड़ा x है उतना बड़ा y है, जितना छोटा x है उतना छोटा y है, तो दैट मींस के सारे ही रियल नंबर्स बेसिकली आपके पास रेंज का पार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपने जब कभी भी एक लीनियर फंक्शन की डोमेन इस तरह से आ जाए कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल नंबर्स रियल नंबर्स, तो मतलब उसका ये होता है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x आर द पार्ट ऑफ द डोमेन, तो आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन के लिए उसका जो रेंज आएगा वो भी बेटा सारे ही रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि सारे रियल नंबर्स हर गिवन हर x की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर सकती है, तो मतलब हर x की वैल्यू पे कोई ना कोई y का आंसर भी आएगा। अब हाँ, अगर वो इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन होगा तो जितना बड़ा x होगा उसका उतना बड़ा y होगा, जितना छोटा x होगा उसका उतना छोटा y होगा, तो मतलब इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कितना छोटा x में ले रहा हूँ कितना बड़ा x में ले रहा हूँ, क्योंकि बेटा x तो सारे ही रियल नंबर है। तो बेटा इसलिए इसकी रेंज के बारे में आप सिंपली क्या लिखोगे कि f of x is all real numbers, is element of all real numbers, मतलब कि रेंज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ f of x, is that clear बेटा? जितनी भी real values हैं, वो सबके लिए मेरी range exist करती है। तो guys, this is one of the cases for the domain and range for the linear function. Let's move on. Alrighty, let's look at this case. So guys, in this case, what is given to us? कि एक function है f of x is equals to 5x plus 5, वही function जो मैं basically use कर रहा हूँ, और अब उसकी domains मुझसे कौन-कौन सी देनी है? देखो जी, x greater than equal to 0, x greater than 0, x less than equal to 0 और x less than 0। अब देखो यार, अगेन जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डोमेन रेंज के सवाल कैसे आएंगे, कि आपके पास फॉर द गिवन डोमेन एक रेंज मांगी हुई होगी, तो भाई आपके पास अगेन एक गिवन डोमेन है और आपसे एक रेंज मांगी हुई है। देखो जी, इस तरह की जो डोमेन होती है ना बेटा, उसका नाम होता है बेसिकली वन साइडेड डोमेन। ठीक है जी, ये कौन सी डोमेन होती है? ये वन साइडेड डोमेन होती है, क्योंकि देखो आपसे उसने ये डिफाइन किया हुआ है कि डोमेन शुरू कहां से हो गया, खत्म होने की कोई बात नहीं करी हुई। ठीक है, कि मतलब आपके पास एक एंड डिफाइन होता है, आइदर स्टार्टिंग और आइदर एंडिंग ये डिफाइन होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो खत्म या शुरू कहां से हो रही है। ठीक है, तो ये वन साइडेड डोमेन की बात होती है, इस तरह से वन साइडेड डोमेन डिफाइन होती है कि उसका एक एंड पता होता है। और बेटा आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपकी वन साइडेड डोमेन होगी तो बेटा उसका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास बेटा वन साइडेड रेंज में आता है, कि वन साइडेड डोमेन का वन साइडेड रेंज आपके पास हमेशा बन रहा होगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और देखो बेटा, अब डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन में आंसर करने के लिए दो बातें, वही स्केच बनाना, स्केच बनाने के लिए अगेन इंग्रेडिएंट देख लो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नजर आ रहा है इंक्रीजिंग है, और यार इसका जो स्केच है वो बेसिकली हम काफी टाइम से देखते हुए भी आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करके इस तरह की कोई चीज दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब इसका यार आंसर स्टार्ट करते हैं कि इसको हमें आंसर कैसे करना है। देखो भाई, अब इस डोमेन में उसने बोला क्या, उसने बोला कि डोमेन क्या है, डोमेन है बेसिकली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, के मतलब जीरो और उससे बड़ी सारी वैल्यूज, तो मतलब जो मेरे पॉसिबल वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट कर सकती है वो कौन सी हो सकती थी? जीरो हो सकती है, वन हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, और फिर पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब है जो मेरी मिनिमम वैल्यू है इस केस में, क्योंकि रेंज डोमेन के केस में आपको बेटा मिनिमम और मैक्सिमम का ख्याल रखना होता था, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मिनिमम वैल्यू ओवर हियर के एक्स जहां पे जीरो है वहां पे वाई क्या है बेटा? वाई मेरे पास यहाँ पे फाइव है। देखो भाई, ये वाली जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी मिनिमम वैल्यू है।
तो देखो भाई अगर ये मेरी मेरे में वैल्यू है, क्योंकि देखो बेटा सारे जो मेरे एक्स होंगे अब वो जीरो या उससे बड़े होंगे, तो उनके लिए जो मेरे पास आउटपुट आ रहे होंगे वो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ फाइव पे जीरो वाली जो मिनिमम सबसे छोटी रेंज की वैल्यू थी, डोमेन की वैल्यू थी, वो जीरो थी। जीरो पे मेरा आउटपुट कितना था? फाइव था। अब मेरे बेटा जितने और आउटपुट आ रहे होंगे जैसे जैसे मैं जीरो पे आगे जाता रहूंगा, क्या वो फाइव से बड़े आ रहे होंगे? तो बेटा मेरी मिनिमम वैल्यू कौन सी थी? मेरी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो थी इस डोमेन की वो थी फाइव। अब अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ता है मेरा वाई भी बढ़ता रहेगा, तो जितना बड़ा एक्स डालूंगा उतना बड़ा वाई आएगा। तो बेटा मैं मैक्सिमम नहीं बताता, लेकिन क्या मैं इसका मिनिमम बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या है इसका? मिनिमम वैल्यू है इसका फाइव, क्योंकि देखो बेटा जीरो सबसे छोटा एक्स है जिसपे काम करेगा, तो उस पे इसका आउटपुट आ रहा है फाइव, तो आउटपुट का मिनिमम है फाइव। तो अगर फिर उसके बाद फाइव या उससे बड़े वाले, तो ग्राफिकली भी देखो तो फाइव या उससे बड़ी सारी वैल्यूज हो सकती हैं जब मेरी डोमेन जीरो या उससे बड़ी वैल्यूज होंगी। तो बेटा आपको ये पता चल गया कि भाई मिनिमम वैल्यू आपकी फाइव थी, और क्या फाइव इंक्लूडेड होगा? बिल्कुल इंक्लूडेड होगा। क्यों इंक्लूडेड होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड है, जो जीरो पे जो आउटपुट है वो भी मेरे पास इस केस में इंक्लूडेड होगा, एंड द आंसर फॉर डोमेन रेंज विल बी f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो है, अब क्या है डोमेन? डोमेन है ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस जीरो से बड़ी वैल्यू है, जीरो नहीं है। तो बेटा जीरो नहीं है तो क्या 0.1 तो हो सकता था? तो 0.1 पे मेरा आंसर क्या मेरा 5 से बड़ा ही आता, क्योंकि 5 पे 0 आ रहा है, और बाकी x पे जितना थोड़ा सा भी अगर आगे चला जाओ तो बेटा y का आंसर 5 से बड़ा हो जाना है। तो मुझे पता चल गया कि भाई 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 अब इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मतलब मेरी रेंज 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती थी। तो दैट इज why इट इज जस्ट गोइंग टू बी f ऑफ x ग्रेटर देन 5, क्योंकि 5 0 इंक्लूडेड नहीं था, तो 0 का आउटपुट भी इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब मैं x में आगे जाऊंगा तो बेटा मेरा आउटपुट भी 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 5 के भी जो आउटपुट है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसका अगला फॉरन 5.1, 5.01, 5.001 वो इंक्लूडेड होगा। तो इसीलिए मुझे बस ये पता है कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेरा 0 इंक्लूड नहीं था, वरना उससे बड़ा कोई भी x का वैल्यू इंक्लूड है इस डोमेन में, तो मतलब आउटपुट भी 5 या उससे छोटे से कोई भी बड़ा उससे वैल्यू इंक्लूड हो सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर f ऑफ x ग्रेटर देन 5 लिया। रट्टा लगाना है तो याद रखो बेटा, अगर डोमेन का 0 इंक्लूडेड नहीं है तो बेटा 5 डोमेन का जो वो भी इंक्लूड नहीं, लेकिन हाँ उससे बड़ी सारी वैल्यू, क्योंकि इसी x से बड़ी सारी वैल्यू ले रहा हूं, तो आउटपुट भी मेरे पास x पे जो आ रहा है उससे बड़ा होगा। ठीक है जी, अब देखिए भाई, अब इस डोमेन इस केस का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अब मेरा है f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा अगर कभी लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कि भाई 0 से 0 -1 -1000 सॉरी -100 -1000 ले लो, फिर -infinity का कोई भी वैल्यू हो सकती है बेसिकली। तो भाई अब देखो इस पे बेसिकली ग्राफिकली अगर आप देखो तो ग्राफिकली आपके पास जो भी डोमेन के हिसाब से x वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी वो बेसिकली मेरी ये वाली 0 से सारी पीछे तक की वैल्यूज होंगी। तो बेटा देखो इन वैल्यूज पे मेरे पास जो ग्राफ बनेगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्राफ भी बेसिकली ये 5 से नीचे बन रहा होगा? तो बेटा अगर मेरा इनपुट वैल्यू 0 या उससे पीछे का है तो मेरा जो ग्राफ है वो भी इन वैल्यूज के लिए क्या 5 या उससे नीचे गए। तो बेटा अगेन दिस इज अ सिंगल साइडेड डोमेन, दैट मींस द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डोमेन आई कैन टेक इज 0 एंड एवरी अदर वैल्यू इज लेस देन 0। तो बेटा मेरे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डोमेन के लिए? तो बेटा मेरे पास क्या इसी डोमेन के लिए क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज मेरे पास 5 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू मेरे पास 5 से छोटी है? तो बेटा 5 किस पे आउटपुट था? 0 पे। अब 0 क्या इंक्लूडेड था डोमेन में? तो इसीलिए मेरे पास 0 का आउटपुट भी रेंज में इंक्लूड हो जाएगा, और देखने से भी नजर आ रहा है 0 पे 5 है, बाकी सारी वैल्यू 5 से नीचे की है ना। तो बेटा आपने क्या करना है इस रेंज के लिए, आपने लिख देना है f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, कि मतलब भाई 5 सबसे बड़ी वैल्यू होती है, बाकी सारी वैल्यू उससे नीचे की होंगी। अच्छा जी, अब यार देखो जल्दी से एक और केस देखते हैं इसका, कि अगर लिखा हुआ है x इज लेस देन 0, तो भैया अगर लेस देन 0 है मतलब 0 वाला आउटपुट इंक्लूड नहीं करो, 0 से नीचे वाली जो x पीछे वाली जो x की वैल्यू है मतलब ये इंक्लूड, ये वाली जो मेरी वैल्यू है ये अब इंक्लूडेड नहीं है, मतलब लेकिन इससे पीछे की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो बेटा इस वैल्यू का जो आउटपुट है वो 5 है, तो 5
5 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, हाँ लेकिन 5 से पीछे का 4.99999 भी हो सकता है इंक्लूडेड, इसीलिए मैं इसका आंसर क्या दूंगा, f of x is less than 5। अच्छा जी रट्टा लगाना है कि भाई 0 इंक्लूड नहीं है तो मतलब 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन हाँ 0 से पीछे सारी वैल्यू तो मतलब 5 से नीचे की भी सारी वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की 0 से पीछे वाली वैल्यू का क्या ही आउटपुट आ सकता है। अगर मैंने -0.9999999 ले लिया होगा तो बेटा मेरे पास कोई 4.999 करके कोई आंसर आ रहा होगा, तो बेटा उस केस में आपने याद रखना है कि आपके पास 5 से छोटा ही आउटपुट होगा हमेशा, 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 भी इंक्लूड नहीं था, इसलिए आप रट्टा लगा लो कि 5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा होगा। कॉन्सेप्चुअली भी आपको नजर आ रहा है कि अगर 0 से सारी पीछे की वैल्यू ले रहा हूं तो बेटा मेरे आउटपुट होंगे वो 5 से पीछे के ही नीचे के ही हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर भाई? Alright, जी, let's look at this case now. अब देखो यार, again, the function that is given to us is f of x equal to 5x plus 5, और जो इसकी domain, अब जो domains given है, बेटा, these domains are basically double-sided domains, ठीक है जी, ये कौन सी domains हैं, ये basically आपके पास double-sided domains में आती हैं, क्योंकि देखो बेटा, इसमें आपको छोटे से लेके बड़ी तक values पता होती हैं, तो बेटा, double-sided domain के answers भी आपके पास डबल साइडेड रेंज आ रही होती है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे लास्ट केस में हमारे पास सिंगल साइडेड डोमेन्स थी तो उसके रेंजेस भी सिंगल साइडेड बन रही थी, लेकिन जब कभी भी डबल साइडेड डोमेन्स होंगी सो यू विल बी गेटिंग अ डबल साइडेड रेंज फॉर दैट, इज दैट क्लियर नाउ? तो गाइस लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट विद दीज डोमेन्स और उसकी रेंजेस निकालने लगते हैं। तो बेटा अगेन दो चीजों की जरूरत होती है, पहली चीज स्केच, दूसरी चीज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो बेटा सबसे पहले हमें स्केच की जरूरत होगी, तो आ जाओ जल्दी से स्केच इसका यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह का एक स्केच आ रहा होता है हमारे सामने। ऑलराइट जी, तो देखो बेटा अब यूजिंग दिस स्केच वी आर गोइंग टू बी फिगरिंग आउट के मेरे पास गिवन डोमेन के हिसाब से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है। अब अगेन वहां पे बेटा सिंगल साइडेड डोमेन थी तो अगेन उसका या तो मिनिमम निकालना आसान था या मैक्सिमम बताना आसान था, लाइक सब्जेक्टिव टू गिवन डोमेन जो थी उसके हिसाब से या तो मिनिमम आ सकती थी या मैक्सिमम आ सकती थी। यहाँ बेटा आपके पास दोनों ही आ गई क्योंकि डबल साइडेड है तो आपको दोनों निकालना आसान होगा। तो बेटा देखो अगेन अब इस केस में मेरे पास क्या, पहला वाला केस अगर मैं देखता हूं तो पहले वाले केस में 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट है, तो 4 बेटा अभी कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन 4 क्या आपके पास ग्राफ में यहाँ पर हो सकता था, और आपकी जो भी डोमेन है वो बेसिकली क्या है, डोमेन जो है मेरे पास वो बेसिकली मेरे पास कोई इस तरह की चीज है कि सारी ये वाली सारी वैल्यूज मेरा डोमेन का पार्ट है। तो बेटा देखो 0 पे तो मुझे पता है मेरा आउटपुट, 0 पे मेरा आउटपुट बेसिकली कितना है, 5 है। अब बेटा मुझे 4 पे अभी अपना आउटपुट नहीं पता, लेकिन अगर मैं देखूं इस ग्राफ को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं उसका स्केच, तो बेटा 4 पे इसका आउटपुट बेसिकली कोई इस तरह की चीज हो रही होगी बेटा कि 4 वाली वैल्यू पे इसका आउटपुट यहां पर हो रहा होगा, जो आप ग्राफ में डाल के बेटा चेक भी करो, इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हो कि 4 पे इसका आउटपुट कितना आ रहा होगा। तो 5 into 4 plus 5 is going to be 25, तो मुझे पता चल गया कि f of 4 पे इसका आउटपुट 25 आ रहा होगा, ठीक है। तो बेटा अगर मेरा ग्राफ इस 0 से लेके 4 तक की डोमेन पे एग्जिस्ट करता है तो अगर इसका आउटपुट जो है इन वैल्यूज के लिए क्या आ सकता है, इसका आउटपुट ये वाली सारी वैल्यूज इसका आउटपुट हो सकती हैं। तो बेटा अगेन दिस वैल्यू एट दिस वैल्यू दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन फाइंड फॉर द गिवन डोमेन एंड दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन डोमेन। तो बेटा अगेन क्या मेरी मिनिमम मैक्सिमम आ गई कि मतलब अगर मेरी डोमेन 0 से लेके 4 तक है तो मेरी मिनिमम वैल्यू जो आउटपुट हो सकती है वो 5 हो सकती है, लेकिन जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 25 हो सकती है। तो अब यार ये बिहेवियर मैंने कैसे किया, मैंने ग्राफ को देख के बता दिया कि भाई अगर यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज मेरा डोमेन है तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू 4 तक की कोई भी वैल्यू होती थी, क्योंकि ग्राफ का जो भी आउटपुट है वो इन सारी वैल्यूज के बीच में ही होगा, 0 से लेके 4 तक का जो भी आउटपुट होगा वो यहां से लेके यहां तक ही होगा, और ये 5 और 25 दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू मेरी 5 आ सकती है और मिनिमम 25 आ सकती है और मिनिमम वैल्यू मेरी 5 आ सकती है। तो इसीलिए इसकी डोमेन आप कैसे लिख दोगे, इसकी डोमेन आप लिख दोगे बेटा कि x इज गोइंग टू बी f of x इज गोइंग टू बी व्हाट, f of x इज गोइंग टू बी greater than equal to 5 से या उससे बड़ा होगा, but lesser than equal to 25। Again, this is your maximum and this is your minimum value। ठीक है जी?
तो गाइस अगेन देखो ग्राफ बना लोगे हमेशा तो आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डोमेन निकालना कभी भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको ग्राफ बना के पता चलता है इसका बिहेवियर कैसा है कि अगर यहां से लेके यहां तक इसका इनपुट है तो उसका आउटपुट जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक होता है। अब ये वाली वैल्यू 0 इंक्लूडेड है, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, 4 पे आउटपुट आपने चेक कर लिया जल्दी से कि कैसे निकालते हैं, 4 पे आउटपुट 25 आ गया तो आपको पता चल गया कि भाई 4 भी इंक्लूडेड है तो 25 भी इंक्लूड होगा मतलब, लेकिन इसके बीच में ही सारे आउटपुट होंगे। तो बेटा आपने बोला 25 से छोटा और 5 से बड़ा और आपने उसको डोमेन रेंज की फॉर्म में लिख दिया। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अब ये देखो सेकंड वाले केस पर आते हैं। सेकंड वाले केस में बस कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा खेल रहा है कि मतलब उसने बोला कि 0 इंक्लूडेड नहीं और ना ही 4 इंक्लूडेड है, तो मतलब ये वाला मिनिमम वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूडेड, लेकिन इससे पहले की और इसके बाद सारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो बस आपने क्या लिखना होगा, अगेन आपने इन्हीं दो वैल्यूज के आउटपुट को बस इंक्लूड नहीं करना होगा, बाकी सारी वैल्यूज बीच की तो पार्ट होंगी ही होगी। इस दैट वे और आपने इस तरह से इसका रेंज लिख देना होगा। अब अगर लेट्स सपोज 0 इंक्लूडेड है तो 0 का आउटपुट बेटा इंक्लूड कर लेना, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 के आउटपुट से पीछे की सारी वैल्यू होगी 24.9999 तक होगा, इसीलिए मैंने यहां पे 25 तक का लिख दिया कि 25 से पीछे की मतलब 24.9999 जाता रहूंगा और मुझे नहीं पता, लेकिन बस 25 से नीचे का होना चाहिए क्योंकि वो जाहिर सी बात 25 पे इंक्लूडेड नहीं है, उससे पीछे का सारा वैल्यू इंक्लूडेड है। अब देखो भाई उसने बोला 0 इंक्लूड नहीं करो तो मतलब 5 से बड़ा होगा क्योंकि 5.0001 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 0 से बड़ा आउटपुट 0 का 0 से बड़ा का अगर इनपुट ले रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट 5 से कुछ ना कुछ तो बड़ा ही आएगा, तो वो कुछ ना कुछ 0.0001 हो सकता है, तो मतलब 5.001 मेरा रेंज का पार्ट होना चाहिए, तो इसीलिए मेरा रेंज 5 या उस 5 से बड़ा बट हाँ 25 वाली वैल्यू से या उससे छोटा, क्योंकि बेटा 4 इंक्लूडेड है तो 25 इज द मैक्सिमम दैट आई कैन गो अप टू, बट उससे पीछे की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। सो दिस इज द केस कि आपके पास ये वाले केस की सारी डोमेन रेंजेस, इस सारी डोमेन्स के लिए आप इस तरह से इनकी सारी रेंजेस को आंसर करोगे, ठीक है। अगेन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एंड स्केचेस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन फाइंड लाइक कैन फाइंड आउट एनी रेंज विद दीस टू थिंग्स, राइट? राइट जी, लेट्स लुक एट दिस केस नाउ। तो यार अगेन द फंक्शन ऑफ x इज सच दैट कि 5x + 5 है और इसकी जो डोमेन गिवन है वो ये गिवन है और अब हमें इसकी रेंज ढूंढनी है। तो देखो बेटा ये सारी जो है वो डबल साइडेड डोमेन्स है और डबल साइडेड डोमेन्स के लिए हमें पता है कि इसकी जो भी रेंजेस होती हैं दैट आर ऑल्सो डबल साइडेड, ठीक है जी। तो बेटा देखें अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगेन अब हमें डोमेन्स गिवन है और हमें रेंज ढूंढनी है, तो अगेन यार हमें स्केच की और बाकी और दो चीजों की जरूरत होगी, एंड दोस टू थिंग्स आर व्हाट, दोस टू थिंग्स आर स्केच एंड देन वी आर गोइंग टू फिगर आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर दोस। तो यार अगेन देखो अगर पहले वाला केस देखते हैं तो उसमें बेटा -3 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज मेरी डोमेन का पार्ट है, -3x से लेके 4 पॉजिटिव 4 तक के x के सारी वैल्यूज मेरे डोमेन का पार्ट है। तो बेटा अगर -3 का बनाना है तो यार एक काम करते हैं स्केच को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, -3 लेट्स सपोज मेरे पास कोई यहां पे कोई वैल्यू, ठीक है जी। अब -3 पे देखो बेटा और 4 मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो बेटा अगर मुझे देखना है अपनी डोमेन को तो मेरी डोमेन बेसिकली इन सारी ही वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी -3 से लेके 4 तक। अच्छा भाई अब -3 पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा बेटा वो कितना आ रहा होगा, पहले वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि -3 पे आउटपुट कितना आ रहा होगा। तो f ऑफ -3 बेटा आपने डाला फंक्शन में -3 का इनपुट डाला तो आपका आउटपुट पता चल जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी -15 + 5 and it is going to be -10. तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है -10 का मेरे पास आउटपुट आ रहा है, तो मतलब है और 4 पे तो मुझे पता था कि कितना आउटपुट था, 4 पे मेरे पास आउटपुट आया था बेटा 25 का। तो भाई देखो जो मेरे पास इस डोमेन के लिए -3 से लेके 4 तक की डोमेन के लिए जो मेरे पास आउटपुट आ रहे होंगे वो कौन सी वैल्यूज आ रही होंगी, वो बेसिकली मेरे पास सारे ये वाले आउटपुट आ रहे होंगे, ये वाली सारी वैल्यूज मेरा आउटपुट होंगी जब मेरी -3 से लेके 4 तक की डोमेन होगी, ठीक है जी। तो कहां से शुरू हो रहे होंगे आउटपुट्स, यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज मेरे आउटपुट्स होंगे जब मेरी डोमेन बेसिकली ये होगी। तो यार अगेन देखो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी माय मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी माय मिनिमम वैल्यू। तो बेटा मेरे पास डोमेन क्या रेंज क्या आ जाएगी, मेरी मेन रेंज होती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, क्योंकि मेरे आउटपुट जो है वो बेटा यहां से लेके यहां तक के हो सकते हैं अगर मेरी डोमेन ये है। तो बेटा मेरी रेंज क्या फाइनल आंसर क्या बन जाएगा कि -10 से लेके और -10 इंक्लूडेड होगा क्योंकि -3 इंक्लूडेड है और बेटा 25 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 4 इंक्लूडेड है, ठीक है जी।
तो बेटा मेरी अगर रेंज ये है कि माइनस थ्री है उससे बड़ी लेकिन फोर से है उससे छोटी, तो बेटा मेरी डोमेन ये अगर मेरी डोमेन है तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस टेन या उससे बड़ी और 25 या उससे छोटी। इस दैट है क्योंकि ग्राफिकली भी देख के देखो कितना आसान हो गया समझना कि माइनस थ्री से फोर तक अगर मेरी डोमेन है तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी रेंज हो सकती है। ठीक है जी। अब देखो बेटा अगर माइनस थ्री इंक्लूडेड नहीं है तो बस मेरे पास यार ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और अगर फोर भी इंक्लूडेड नहीं है तो मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन माइनस थ्री से बड़ी और फोर से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब माइनस 2.99 भी हो सकता है और 3.99 भी हो सकता है। तो बेटा इसीलिए आप आउटपुट में भी क्या लिखोगे कि माइनस 10 से बड़ा होगा लेकिन 25 से छोटा होगा, और बेटा मेरे पास अगर माइनस थ्री इंक्लूडेड हो जाएगा तो माइनस 10 भी इंक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि माइनस 10 का आउटपुट इंक्लूड होगा कि माइनस 3 पे वही आउटपुट आ रहा होगा, लेकिन बेटा 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 25 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, 25 से कम दम वैल्यूज ही होगी क्योंकि 4 पे 25 था। फिर बेटा अगर माइनस 3 इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन अगर 4 इंक्लूडेड है तो आपके पास 25 बेटा इंक्लूड हो रहा होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो गाइज दिस इज गोइंग टू बी द दीज आर गोइंग टू बी द रेंजेस फॉर दिस गिवन डोमेन। Alright, so let's just look at this case now. तो यार देखिए अब आपके पास एक function given है f of x is equals to minus 5x plus 5. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इस linear function है और इसका gradient क्या है, इसका gradient negative है, तो negative का मतलब क्या होगा कि this is a decreasing linear function. ठीक है जी। तो अगेन ये एक आपको स्केच बनाने के लिए एक बात जरूरी थी। तो बेटा देखो अब क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास डिफरेंट डोमेन्स गिवन है और आपसे उनके लिए रेंजेस मांगी गई हैं। अब देखो बेटा जो पहले वाला केस है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास वन साइडेड डोमेन का केस है। तो बेटा अगर वन साइडेड डोमेन के लिए मैंने क्या सिखाया था कि वन साइडेड डोमेन जब भी होगा तो उसका बेटा सिंगल साइडेड रेंज आपके पास आ रहा होगा। अच्छा जी। अब देखो बेटा फॉर दिस केस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के अगेन रेंज निकालनी है तो बेटा स्केच की जरूरत होगी। स्केच मेरे पास डिक्रीजिंग है, अगेन दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मैं पीछे निकाल चुका था एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो इसलिए मैं इसका स्केच जो है वो डायरेक्टली हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो बेटा ये इस तरह से इसका स्केच बन रहा होगा। तो देखो बेटा अगर आपके पास इस केस में अगर आप पहले वाले डोमेन की बात करते हो कि डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का डोमेन है, तो बेटा आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास डोमेन कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। बेटा एक्स की जिन वैल्यूज के लिए डोमेन एग्जिस्ट करेगा वो सारी वैल्यूज मेरे पास एक्स की ये वाली सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इन पे देखो बेटा मेरे पास जो रेंज बन रही है, जो आउटपुट बन रहे हैं इन सारी इनपुट वैल्यूज पे, क्या वो बेसिकली मेरे पास ये वाली सारी वैल्यूज बन रही है? मतलब है कि जीरो पे मेरे पास जो आउटपुट है वो कितना है, वो बेटा फाइव है, और उसके बाद जैसे जैसे मैं जीरो से आगे जाता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा हर आउटपुट वैल्यू फाइव से छोटा होता जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जीरो इंक्लूडेड है तो जीरो का आउटपुट क्या था, फाइव। अगला इनपुट वैल्यू क्या होगा, जीरो से कोई बड़ा वैल्यू होगा लेकिन आउटपुट क्या होगा, फाइव से कोई छोटा वैल्यू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइव मेरे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू है, बेटा बिल्कुल है। तो बेटा मेरी रेंज क्या बन जाएगी, इट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव। अच्छा जी। अब मेरे पास जीरो अगर इंक्लूडेड नहीं है तो बेटा फाइव भी इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन जीरो से बड़ी वैल्यू है तो बेटा एफ ऑफ एक्स से भी छोटी वैल्यूज मेरे पास मेरा आंसर हो जाएगा और फाइव इंक्लूड नहीं होगा, फाइव से छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। बेटा जी अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स इज लेसर देन इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो डोमेन है वो बेसिकली ये वाली सारी एक्स की वैल्यूज है बेटा। तो बेटा जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो रेंज होगा इस केस में वो बेसिकली ये वाली सारी आउटपुट वैल्यूज हो जाएंगी। तो बेटा अगर देखें अगर आप जीरो से लेके पीछे आ रहे हैं तो आपके पास बेटा जो आउटपुट्स हैं वो फाइव या उससे ऊपर जा रहे हैं। तो बेटा जीरो पे मैं फाइव था, जीरो इंक्लूडेड है तो मेरे पास क्या फाइव इंक्लूडेड होगा, और बाकी इस केस में मेरे पास क्या फाइव पर मैं बोल सकता हूँ कि फाइव मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेटा देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी कि मेरे रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अगेन याद रहे बेटा ये सारे सिंगल साइडेड वन साइडेड डोमेन है तो इसलिए इनकी सिंगल साइडेड रेंज आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो बेटा अब मेरे पास लेस देन जीरो है, मतलब कि जीरो वाला
इनपुट इंक्लूड नहीं है तो जीरो का आउटपुट भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जीरो से पीछे जाऊंगा वैसे वैसे मेरी वैल्यूज 5 से बड़ी आती रहेंगी, सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज जस्ट गोइंग टू बी एफ ऑफ आई ग्रेटर देन 5 बिकॉज़ जीरो इंक्लूडिंग द 5 वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं हो रही होगी। अच्छा जी, अब देखो बेटा नेक्स्ट केस में मेरे पास क्या है, अगेन मेरे पास बेटा डबल साइडेड डोमेन आ गई है, तो इसके लिए मुझे याद रखना है कि रेंज भी मेरे पास डबल साइडेड रेंज हो रही होगी। ठीक है जी, अब देखो बेटा डबल साइडेड रेंज के लिए मुझे पास अगेन या दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ सकती हैं, क्योंकि मेरे पास रेंज की भी मिनिमम की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो इसलिए मेरे पास डोमेन की भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो रेंज की भी दोनों ही आ सकती होती है। तो बेटा अगेन देखो जीरो से लेके फोर तक की बात करी है, तो अगेन यार आई एम गोइंग टू बी एक्सटेंडिंग माई ग्राफ अ लिटिल एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो। ऑलराइट, सो नाउ What is happening is कि बेसिकली मेरे पास जो डोमेन है वो बेसिकली जीरो से लेके कहाँ तक है, वो जीरो से लेके फोर तक है। तो अगेन अगर मैं इसको बेटा हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो जो मेरे पास डोमेन है वो बेसिकली ये वाली सारी वैल्यूज के लिए, और बेटा जो मेरा रेंज होगा वो बेसिकली मुझे पता है कि फोर पे बेसिकली मेरा आउटपुट कितना है, फोर पे जो मेरा आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी वॉट, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस के एफ ऑफ फोर देख लेते हैं क्या होता है, माइनस फाइव इंटू फोर इज प्लस फाइव एंड इट इज गोइंग टू बी माइनस ट्वेंटी प्लस फाइव एंड इट इज गोइंग टू माइनस फिफ्टीन, तो बेटा माइनस फिफ्टीन आ जाएगा मेरे पास फोर पे आउटपुट। तो यार मेरा देखो अब इस केस के लिए आउटपुट क्या होगा कि अगर मेरी डोमेन जीरो से लेके फोर तक है तो मेरे पास जो आउटपुट हो रहा है वो बेटा फाइव से लेके नेगेटिव फिफ्टीन तक का हो रहा है। तो अगेन अब मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो मेरे पास जो ये सिंगल साइडेड के लिए थी वही रहेगी, फाइव ही रहेगी, लेकिन मेरे पास मेरी मिनिमम वैल्यू इस केस में बेटा ये हो जाएगी। तो अगेन माय रेंज इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 5 एंड माइनस 15, तो बेटा माइनस 15 या उससे बड़ा और बेटा 5 से छोटा। अगेन देखो बेटा अगर मेरे पास इस केस में स्केच नहीं होता और डायरेक्टली आंसर करना होता तो मैं जीरो वाली वैल्यू पर बोलता कि मेरे जीरो हालांकि रेंज डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू, तो मैं बोलता भाई रेंज का भी इससे सबसे छोटा ही आंसर आएगा, लेकिन नहीं, अब आपके पास रेंज का सबसे छोटा आंसर कहां पर आ रहा है, जो आपका डोमेन का सबसे बड़ा वैल्यू उस पे आपका रेंज का सबसे बड़ा आंसर आ रहा है। देखो डोमेन का सबसे बड़ा वैल्यू फोर है, उस पे मेरा रेंज का सबसे छोटा आंसर आ रहा है, और जो मेरी डोमेन का सबसे छोटा वैल्यू उस पे मेरा रेंज का सबसे बड़ा आंसर आ रहा है। तो अगेन बेटा अगर मैं स्केच बना रहा हूँ और हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की अप्रोच रख के सॉल्व कर रहा हूँ तो कभी भी मेरे पास रेंज का सवाल गलत नहीं हो रहा होगा। तो देखो बेटा अगर आपकी जीरो से लेके फोर तक की डोमेन है तो आपकी रेंज बेटा फाइव से लेके माइनस फिफ्टीन तक की आउटपुट हो सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल। ठीक है जी, अब देखिए यार इसके बाद अगर लेट्स मूव ऑन, अब अगर जीरो और फोर अगर दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो बेटा माइनस फिफ्टीन और फाइव दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन बेटा अगर जीरो इंक्लूडेड है और फाइव इंक्लूड और फोर इंक्लूडेड नहीं है तो जीरो का आउटपुट कितना था बेटा, जीरो का आउटपुट था फाइव, अब मेरे पास फाइव इंक्लूड हो जाएगा लेकिन फोर अभी भी इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए माइनस फिफ्टीन में इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर अगेन मैं रट्टा लगाया हुआ होता मैंने इसका तो मैं बोलता जीरो का आउटपुट माइनस फिफ्टीन इंक्लूड कर लो, लेकिन माइनस फिफ्टीन जीरो का आउटपुट नहीं है, माइनस फिफ्टीन बेटा फोर का आउटपुट है, फोर अगर इनपुट इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए माइनस फिफ्टीन भी आप देख रहे हैं कि इंक्लूड नहीं है, और अगर जीरो इंक्लूड है तो इसलिए जीरो का आउटपुट क्या था फाइव था, तो इसलिए वो इंक्लूडेड है और वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी। अब बेटा देखो अगर मेरा फोर इंक्लूडेड है तो फोर पे जो मेरा आउटपुट आ रहा था वो माइनस फिफ्टीन आ रहा था, अगर मेरा फोर इंक्लूडेड है तो माइनस फिफ्टीन का आउटपुट भी मेरे पास इंक्लूडेड होगा, और अगर मेरे पास जीरो इंक्लूड नहीं है तो मेरे पास फाइव का आउटपुट इंक्लूड नहीं हो रहा होगा। So guys, that's all for linear domain and range of linear functions, and that is all that we are going to cover for linear functions, except for one part that I'm going to cover in inverse functions. So, aap uske inverse function ki inshallah puri video dekh rahe hoge. But that's all for linear functions and sketching linear functions and domain and range of linear functions. So, beta, ye jitne cases maine aapse discuss kiye, this is all what can be tested in your exam. And now, like with the help of the hint that I gave you at the start, ke sketch kar lo aur minimum aur maximum value nikal lo, you'll be able to solve, inshallah, all questions for domain and range. Allah ke hukum se. Thank you so much. See you guys in the next video. Allah Hafiz. Take care.